इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग सी छोटी सी डिवाइस पढ़ने वाले हैं। पॉर्टिक डिवाइस है जिसका नाम है इंजपमेंट। तो बहुत इजी सा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। डेफिनेशन पढ़ते हैं इंजपमेंट की। इंजपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज अक्रॉस अ लाइन ब्रेक। क्या मतलब हुआ कि एक सेंटेंस या कोई क्लॉज है तो उसमें जो आइडिया चल रहा है ना, उसकी जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसमें भी वही आइडिया जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। मींस के फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ तो मैंने वो पूरा सेंटेंस लिखा है। अब मैं चाह रही हूँ कि अपना यही आइडिया जो है, सेम आइडिया मैं नेक्स्ट सेंटेंस में भी कंटिन्यू करूँ। तो मैंने क्या करना है, जो नेक्स्ट लाइन जो स्टार्ट करनी है उसमें भी मैंने उसी को चीज़ को कंटिन्यू करना है। अब समटाइम ऐसा होता है कि एक रीडर ने एक जो स्टार्टिंग लाइन पढ़ी है तो उसे समझ नहीं आ रही कि ये क्या आइडिया कन्वे किया हुआ है, लेकिन जब वो नेक्स्ट आगे से लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू करता है तो उसे वो आइडिया जो है उसकी सेंस समझ आने लग जाती है। तो ये फ़ायदा होता है इंजपमेंट का कि आपको जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर कर देता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ जाएगी, लेकिन एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये MZ एजुकेशन चैनल है मेरी फ्रेंड का, इसमें भी काफ़ी आपको मज़े का और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा की पॉइंट्स और कंसेप्ट मिलेंगे। बहुत अच्छे से उसने कन्वे किया हुआ चीज़ों को। और इस चैनल का ये फ़ायदा है कि इसमें बहुत ब्रीफली कंसेप्ट जो हैं वो बताए हुए हैं, लेकिन बाज़ात आप देखते हैं एजुकेशनल चैनल तो उसमें चीज़ों को बहुत लटका दिया जाता है या बढ़ा चढ़ा के बताया है, लेकिन यहाँ पर टू द पॉइंट बात की गई है। पोएम्स हैं या कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ड्रामा है, इनसे रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोज़ इंटरेस्टिंग से आपको मिल जाएंगी, मोटिवेशन मिलेंगी और नेक्स्ट पर्सन को भी इंकरेज करना चाहिए। तो आई होप कि आप इस पे इसको भी सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। और चलिए हम अपनी एग्जांपल के थ्रू आते की तरफ आते हैं। तो एग्जांपल है इसकी, यहाँ पे बहुत फेमस एग्जांपल है पोएट जॉन डन की, उसकी जो पोएम थी द गुड मॉरो, उसमें है जी एक लाइन है, आई वॉन्डर बाय माई ट्रोथ वट डो एंड आई डिड टिल वी लव्ड वर नॉट बीन टिल देन। अब देखिए यहाँ पे ना आई वॉन्डर बाय माई ट्रोथ वट डो, अब उसने जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट की है आई डिड, यानी वही आइडिया कन्वे कर रहा है, वही लाइन जो है उसको सेम लेके चल रहा है। मैंने बताया था कि यहाँ कॉन्टिन्यूशन ऑफ सेंटेंस होती है, यानी एक चीज़ जो चल रही है वो नेक्स्ट सेंटेंस में भी वही चलेगी। अब इसने यहाँ पे स्टार्ट किया था सेंटेंस आई से, तो नेक्स्ट भी उसने आई से ही स्टार्ट किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है दैट ऑल द वर्ल्ड विल बी इन लव विद नाइट एंड पे नो वर्शिप टू द गैरिश सन। अब देखिए यहाँ पे नाइट जो है ना, नाइट एंड के साथ, अब एंड जो है वो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है, क्या है कंजक्शन है यहाँ पे, तो इसने दो सेंटेंस को जोड़ दिया, यानी एक सेंटेंस को दूसरे के साथ कंटिन्यू किया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।